हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हाउ विल यू वाउच सैलरी वेजेस। ऑडिटिंग में सैलरी वेजेस अलग अलग एक्सपेंडिचर को कैसे वाउच करते हैं, राइट। तो अगर सैलरी है तो आपको मालूम होना चाहिए वेजेस में, जिसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है। तो जब ऑडिटर सैलरी को वाउच करेगा तो सबसे पहले देखेगा सैलरी बुक, देखेगा अपॉइंटमेंट लेटर, देखेगा है ना मिनट्स बुक, और अटेंडेंस चेक करेगा, सैलरी पे इन स्लिप चेक करेगा, मतलब सैलरी के जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो चेक करेगा, राइट। तो पहले ये हो गया कास्टिंग, मतलब टोटल चेक करना, अर्थमेटिकल इशू नंबर्स है ना। फिर चेक बुक चेक करके कंपनी ने कैसे पेमेंट किया, कितना पे किया है सैलरी बुक में, है ना, कैशियर ने कितना अमाउंट पे किया। स्टैम्प देखेंगे, ईच एम्प्लॉय हैज पुट हिज सिग्नेचर अगेंस्ट हिज नेम, इफ द पेमेंट एक्सीड 5000 सी देयर बी अ स्टैम्प, स्टैम्प होना चाहिए। रेवेन्यू एडजस्टमेंट चेक करेंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग या एडवांस तो नहीं है, लिया बचा हुआ सिग्नेचर कौन सा ऑफिसर हेड है, राइट। ये बेसिक पॉइंट तो लिखने का, और तुम लोग क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं मालूम है क्या पेमेंट में, एक सेकंड ना बच्चे लोग, पेमेंट में और पॉइंट तुम लोग ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट डाल सकते हैं ना, देखो ये सब पॉइंट, सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, नेम ऑफ दिस अकाउंट होल्डर, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, ये सब तुम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, किसने पे किया, वाउचर में क्या अमाउंट था, कितना पे किया, कब पे किया, ये सब पॉइंट तुम लोग कॉमन लिख सकते हो, ओके। ये पॉइंट तुम लोग कॉमन लिख सकते हो। तो मेन तुमको क्या याद रखने का था, सैलरी के रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, टोटल, स्टैम्प। ये सेम है ना, आपको वॉचिंग करने के लिए क्या आ सकता है, रेंट आ सकता है। कंपनी रेंट पे करती है ना, जो भी रेंटेड है, तो कंपनी जब रेंट पे करती है तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, एग्रीमेंट चेक करेगा लैंडलॉर्ड के साथ, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ना, फिर कितना रेंट पे करे वो हम लोग चेक करेंगे। वाउचर, सी दैट द पेमेंट ऑफ रेंट इज सपोर्टेड बाय द प्रॉपर वाउचर, जो रेंट का अमाउंट है वो वाउचर में प्रॉपर मैच हो रहा है, रेंट कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस तो नहीं है, कौन अथॉरिटी है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, राइट। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, रेंट को प्रॉपर लेजर को चेक करेंगे, स्क्रूटिनाइज मतलब लेजर को चेक करेंगे, कितना पेड है, कितना बाकी है ना, और रेंट को कहाँ डिस्क्लोज करते हैं, अदर एक्सपेंस में, और वैसे ही सैलरी को कहाँ डिस्क्लोज करते हैं, पर्सनल एक्सपेंस में, और सैलरी में डिडक्शन आता है, क्या आता है, deduction. है ना, PF, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, ये सब डिडक्शन आता है। तो ये भी नाम सैलरीज में याद करने का था, और ये रेंट में कहाँ इसको डिस्क्लोज करते हैं, अदर एक्सपेंस में, और सैलरी को कहाँ डिस्क्लोज करते हैं अपन, पर्सनल एक्सपेंस में, कहाँ डिस्क्लोज करते हैं, पर्सनल एक्सपेंस में डिस्क्लोज किया जाता है एज़ पर दी शेड्यूल 3। तो वैसे इंश्योरेंस का भी तुमको वाउचिंग करने आएगा, तो इंश्योरेंस जब कंपनी कराती है तो इंश्योरेंस का पॉलिसी का प्रीमियम पे करना पड़ती है, तो ऑडिटर उसका पॉलिसी चेक करेगा, रिसीप मतलब पावती चेक करेगा, है ना, पेमेंट वाउचर, एडजस्टमेंट देखेगा कुछ बाकी है, एडवांस है या बाकी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, फिर कितना कंपनी ने रिकवर किया, कॉन्ट्रैक्ट कितना रिव्यू किया, कितना प्रीमियम जा रहा है, कितना स्टाफ का इंश्योरेंस कराया, और इसको भी शेड्यूल 3 के हिसाब से अदर एक्सपेंस में ही शो करते हैं इंश्योरेंस को। तो आप लोग अलग अलग का वॉचिंग कर सकते हैं, अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का वॉचिंग करना है तो अथॉरिटी का पहले चेक करेंगे, मेन तो आपको डॉक्यूमेंट्स याद करना है कि ऑडिटिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो एडवर्टाइजिंग के लिए वेरीफाई द रिसीप्ट, कंपनी का मतलब ऑडिटर आके कंपनी का रिसिप्ट चेक करेगा रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, सपोर्टेड बाय रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंसी, प्रूफ ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कौन से न्यूज़पेपर में दिखाया, मैगजीन टीवी कब दिखाया, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कितना का बिल बना था, कितना एडवर्टाइजिंग कटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर मैगजीन, एंश्योर दैट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू क्लाइंट बिजनेस, मतलब जो भी ऐड हुआ है वो क्लाइंट बिजनेस के रिलेटेड हुआ है, बेटी की शादी के लिए तो ऐड नहीं छापा, हायर चार्जेस चेक करेगा, कितना कमीशन दिया वो देखेगा, कॉन्ट्रैक्ट डेफर्ड मतलब कितना बाकी है, एडजस्टमेंट कम ज़्यादा जो भी है, और डिस्क्लोजर एडवर्टाइजिंग को कहाँ डिस्क्लोज करते हैं इन लोग, शेड्यूल 3 के हिसाब से सेलिंग एक्सपेंस में दिखाया जाता है ना। तो ये सब होता है वाउचिंग ऑफ डिफरेंट एक्सपेंडिचर, सैलरीज का आ सकता है, सैलरी के बाद रेंट का आ सकता है, या इंश्योरेंस का। आपको कॉमन पॉइंट मैंने बना दिया था, तुमको कॉमन पॉइंट ही तुमको देखने का, राइट। तो हर कॉमन पॉइंट आंसर के लिए सेम रहेगा, ये कॉमन पॉइंट रहता है ना, ये कॉमन पॉइंट है ना, इस तरह तुमको हेड पॉइंट लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ये सब पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम लोग ये सब पॉइंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू।